Hey guys, welcome back to Discovering Nearby. I'm Sanket Kashyap और आज मैं बात करने जा रहा हूँ मेरे दो फेवरेट फोन्स के जिसमें से हैं iPhone 7 Plus और iPhone 11. ये मेरा सबसे पहला महंगा फोन था और उसके बाद जो मैंने इन्वेस्ट करे iPhone 11 में, ये मेरे हिसाब से मेरी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट थी. तो इनके बारे में आज बात करूंगा, बेसिकली इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में आज बात करूंगा. और मैं ऑलरेडी इन दोनों का कैमरा कंपेरिजन की वीडियो डाल चुका हूं, तो अगर आपने इनका कैमरा कंपेरिजन देखना है तो वीडियो चेक कर लेना. उसके साथ ही साथ मैंने इन दोनों के अलग से भी 2022 के रिव्यू डाले हुए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो. साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि इन दोनों के कैमरा कैसे परफॉर्म करते हैं 2022 में. तो ऑलरेडी इतनी वीडियोस में बना चुका हूं और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और अगर आपको लगता है काफी सिमिलर से फोन है, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत ही डिफरेंट फोन है. तो आज मैं बेसिकली पांच कैटेगरीज के बारे में बात करूंगा, मतलब पांच कैटेगरीज में इन दोनों को कंपेयर करूंगा, जिसमें फर्स्ट है इनकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी, सेकंड है कैमरास, थर्ड है इनकी स्क्रीन, फोर्थ में इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगा, फिफ्थ है बैटरी लाइफ, और इसके साथ साथ जो एडिशनल फीचर्स हैं इसके अंदर जो डिफरेंट है इन दोनों के अंदर, तो उनके बारे में बात करूंगा. और इस वीडियो के दौरान अगर आपको कहीं भी कोई फोन लेने का मन करे, मतलब 7 प्लस तो देखो नया मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आपको 11 लेने का मन करे, तो मैं चाहूंगा आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही खरीदें, ताकि आपको बेस्ट प्राइस मिल जाए और ये मेरा चैनल थोड़ा प्रमोट हो जाए. और आपको इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ये चैनल प्रमोट हो जाए. और साथ ही साथ अगर आपको इस तरह के टॉपिक पे वीडियोस देखना पसंद है तो लाइक करते जाओ. तो आज मैं इन दोनों का एक्सपीरियंस 2022 में आपके साथ अब शेयर करता हूं. तो सबसे पहले बात करता हूं मैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की. अब डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोनों के डिजाइन बिल्कुल ही अलग है. तो अगर मैं सबसे पहले इनके डिजाइन की बात करूं, तो ये थोड़ा सा फिर भी मॉडर्न लगता है और ये थोड़ा सा पुरानी लुक का फोन है. मतलब ये 7 प्लस जो है काफी पहले जो हम आईफोन की इमेज हमारे दिमाग में हुई थी उस जैसा लगता है. इसका डिजाइन 6 प्लस के सिमिलर हैं, तो ये थोड़ा सा पुराना फोन तो लगता है. और अगर 11 की बात करो तो 11 आज भी नया मिल रहा है और आज 11 आज भी बढ़िया फोन है मेरे हिसाब से. जो ओवरऑल इसका डिजाइन है एज कम्पेयर टू 7 बहुत बढ़िया है, तो इस मामले में ये थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक भी लगता है इसकी, तो ये इसका डिजाइन काफी अच्छा है. और अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोनों ही वैसे तो प्रीमियम बिल्ड है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है. अगर 7 प्लस की बात करूं तो ये मैट फिनिश है, लेकिन अगर मैं 11 की बात करूं तो 11 जो है ग्लास बैक के साथ आता है. अब देखिए अगर प्रीमियम की बात करें तो हाथ के अंदर जो प्रीमियम फील होता है वो तो आईफोन 11 ही है, लेकिन अगर आप बात करें कौन सा ज्यादा मुझे प्रैक्टिकल लगता है तो वो आईफोन 7 प्लस है, क्योंकि इसके पीछे फिंगरप्रिंट इतने नहीं आते, ना ही स्क्रैचेस का इतना डर है एज कम्पेयर टू 11. लेकिन हाँ, दोनों की बिल्ड क्वालिटी बहुत प्रीमियम है, कहीं से भी आपको चीप महसूस नहीं होंगे. ये इतना साल पुराना फोन है, मतलब ये 2016 में लॉन्च हुआ था और ये 2019 में, तब भी उस टाइम के हिसाब से भी प्रीमियम था, लेकिन आज भी ये प्रीमियम है. और दोनों में अगर आप देखोगे तो एप्पल लोगो में थोड़ा डिफरेंस है, उसका एप्पल लोगो 7 प्लस का थोड़ा ऊपर है और 11 का थोड़ा नीचे. तो अगर आप शीशे में सेल्फी लोगे तो इस वाले एप्पल लोगो के देखने के चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू दिस. तो डिजाइन में वैसे तो देखिए 11 ही बेटर है और दिखने में भी थोड़ा मॉडर्न सा लगता है एज कम्पेयर टू 7 प्लस, ये थोड़ा अपडेटेड सा है. लेकिन कहीं से भी अगर बिल्ड क्वालिटी की बात है तो आपको चीप दोनों में से कोई भी नहीं लगेगा. हाँ, डिजाइन जो इसका है वो थोड़ा सा नया सा है, जैसे मैंने आपको बताया. अब बात करते हैं इनके कैमरास के बारे में. तो दोनों के ही बैक में दो कैमरास हैं, लेकिन दोनों के कैमरों में बहुत फर्क है. इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है 11 के अंदर, और अगर 7 प्लस की बात करें तो इसके अंदर टेलीफोटो लेंस है. और इन प्रैक्टिकल यूज टेलीफोटो का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, ये सिर्फ आपको 2x जूम दे सकता है और आपके लाइक पोर्ट्रेट लेने बहुत मदद करता है. पोर्ट्रेट आप इससे भी ले सकते हो, लेकिन ये AI की मदद से लेता है. लेकिन वाइड एंगल लेंस बहुत ज्यादा आपके हेल्पफुल हो सकता है, अगर आप व्लॉगिंग करने में इंटरेस्टेड हो, आप एक ट्रैवलर हो, तो वो ज्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग. और अगर क्वालिटी की बात करूं तो इनका मेन लेंस की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है, वो मैंने एक वीडियो कैमरा दिखाया तो डिफरेंस देख लेना. फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत इनकी डेमो दिखा देता हूं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटी की. तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों वीडियोस में जो iPhone 11 की वीडियो क्वालिटी है उसके अंदर कितनी अच्छी डिटेल्स है, लाइक शेडोज में भी आपको डिटेल्स दिखेगी, बैकग्राउंड में भी. और 7 प्लस में इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है इनके सेंसर में बहुत ज्यादा फर्क है. और यही सेम डिफरेंस इनका फोटोज में है और बाकी सब वीडियोज में है. तो चलिए मैं आपको पहले वीडियो के सैंपल्स दिखा देता हूं, जिससे आप खुद ही जज कर ले कि कितना डिफरेंस है. We'll be right back.
करते हैं स्टेबलाइजेशन की, तो मैं आपको लिटरली बताता हूं कि जो आईफोन 11 की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही बढ़िया है दोनों ही लेंसेज में। वैसे दोनों के मेन लेंसेज में आपको OIS देखने को मिल जाएगा जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, लेकिन मुझे लगता है कि आईफोन 11 में इन्होंने EIS भी थोड़ा बहुत अप्लाई कर रखा है या पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन इसकी स्टेबलाइजेशन बहुत बढ़िया है। अगर आप इनका वाइड एंगल लेंस की स्टेबलाइजेशन भी देखोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि आईफोन 11 का वाइड एंगल लेंस भी आईफोन 7 प्लस से ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबलाइजेशन के मामले में आईफोन 11 बहुत ज्यादा बढ़िया है। साथ इसके लेंस के अंदर एक और चीज मौजूद है जिसे हम बोलते हैं नाइट मोड। तो नाइट मोड में आप एक इंडोर में या आउटडोर में लो लाइट कंडीशन में बहुत अच्छी फोटोज ले सकते हैं, 7 प्लस में आपको ये चीज देखने के लिए नहीं मिलेगी। और अगर मैं इनके फ्रंट कैमरे की बात करूं तो फ्रंट कैमरे में इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा 7 मेगापिक्सल और इसके अंदर 12 मेगापिक्सल, तो फ्रंट कैमरा में भी ये ज्यादा बेटर है। और इसके फ्रंट में भी आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाएगा, इसके फ्रंट कैमरे में आपको पोर्ट्रेट मोड देखने नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इनके अंदर जो वीडियो रेजोल्यूशन है अगर आप इसकी बात करें तो 11 4K 60fps तक जा सकता है, लेकिन अगर 7 प्लस की बात करें तो ये 4K 30fps तक जा सकता है। तो ये ज्यादा एडवांस है, 4K में बहुत अच्छी क्वालिटी लेता है एज कम्पेयर टू 7 प्लस। तो ये थे इनके कैमरास के बारे में। थर्ड है इनके स्क्रीन के बारे में। अब दोनों के अंदर ही LCD स्क्रीन है, लेकिन 11 की जो स्क्रीन है वो LCD का एक बेंचमार्क है, मतलब बहुत ही बढ़िया LCD स्क्रीन है जिसके अंदर ट्रू टोन डिस्प्ले है और लिक्विड, मतलब ये एक ऐसी स्क्रीन है जो LED की टक्कर की है। लेकिन 7 प्लस की स्क्रीन ओके है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बुरी स्क्रीन है, लेकिन ओके स्क्रीन है। दोनों में अगर आप साइड बाय साइड नहीं यूज करोगे वैसे इतना ज्यादा डिफरेंस आप नहीं नोटिस करोगे, लेकिन फिर भी 11 की स्क्रीन इससे फार बेटर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली बात है 11 आगे होगा ही, लेकिन मैं आपको एक परफॉर्मेंस टेस्ट दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सारे जो है बैकग्राउंड में एप्स बंद कर देते हैं ताकि एक्चुअल में इनकी स्पीड का पता चल सके। तो अब सारे बैकग्राउंड में ऐप बंद हो चुके हैं, तो सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों को सेम वाईफाई पे कर दिया है, डिस्कवरिंग नियर बाय। तो सबसे पहले हम खोलते हैं वो ऐप जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, दैट इज यूट्यूब। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही सेम ही टाइम पे खुले हैं, हल्का फुल्का ही, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस लगा मुझे। और ये कई बार टच करने में भी डिले हो सकता है, वरना ऑलमोस्ट सेम सी परफॉर्मेंस है इसकी। उसके बाद हम खोलते हैं इंस्टाग्राम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का फुल्का ही फर्क है। इसके बाद हम खोलते हैं ऐप स्टोर, और अब लास्ट में खोलते हैं वेदर की एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर कहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो आप महसूस करेंगे जब इन पर गेमिंग करेंगे, आईफोन 7 प्लस ज्यादा हीट होगा। तो आपने परफॉर्मेंस टेस्ट में देखा कि इनकी परफॉर्मेंस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप एक गेमर है तो 11 7 प्लस से बहुत ज्यादा आगे है गेमिंग के मामले में। तो गेमिंग अगर सोच रहे हो तो 7 प्लस इस समय बहुत पीछे रह चुका है, 11 अभी भी ठीक है। और लास्ट इनकी बैटरी के बारे में, तो बैटरी इसकी तो आज के टाइम के हिसाब से इतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। इसकी ओके बैटरी बैकअप है, ये फिर भी आपको एक दिन चला सकते हो आप चार्ज करके, लेकिन 7 प्लस के केस में ऐसा नहीं है। और प्रोसेसर पुराना होने की वजह से ये इतना एफिशिएंट भी नहीं है, तो इसकी बैटरी ड्रेन ज्यादा जल्दी होती है। अब मैं कुछ इनके एडिशनल फीचर्स की बात करता हूँ। दोनों ही ये वाटरप्रूफ है, लेकिन मुझे लगता है कि 11 थोड़ा वाटरप्रूफ ज्यादा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर ऑन पेपर्स देखा जाए। और दूसरी इनके बायोमेट्रिक्स की बात करें तो इसके अंदर टच आईडी है और इसके अंदर फेस आईडी, दोनों ही बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे कोविड आया था उसकी वजह से मुझे टच आईडी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि इसमें मास्क में भी खोल सकते थे, और वैसे भी इसके लिए आपको फोन मुंह के पास लेके आना पड़ेगा, इसके साथ ऐसा नहीं है। और ये फिजिकल बटन भी नहीं है, ये एक टच पैड है, तो इसकी वजह से ये बटन खराब होने का डर भी आपको नहीं है, तो ये बहुत बढ़िया है इसके अंदर। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो मेरे हिसाब से 7 प्लस भी आपका काम कर देगा, लेकिन आपको नया नहीं मिलेगा, आपको सेकंड हैंड ही लेना पड़ेगा। और सेकंड हैंड भी आपको 10-12 तक का मिल जाए तो मैं बढ़िया डील बताऊंगा। 11 भी आपको सेकंड हैंड मिल सकता है, लेकिन साथ ही साथ ही आपको नया भी मिल सकता है। और ये बहुत ही अच्छा फोन है आज के डेट में, जो आज से 2-3 साल भी चल जाएगा। 5G आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4G फोन तब भी चलते रहेंगे और इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर आज के टाइम में भी ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो ये तो देगा ही देगा। और इस पे iOS 16 आएगा, 17 पे अगर मेरे अकॉर्डिंग
18 भी आएगा, बाकी मैं शॉर्ट ही नहीं दे सकता, लेकिन 17 तक तो मेरे हिसाब से आना ही चाहिए। तो ये एक मस्त फोन है अगर आप अगले 3-4 साल के लिए चलाने के लिए सोच रहे हो, लेकिन कहीं से आपको अगर 7 प्लस सेकंड हैंड मिल रहा है और आपने एक साल मुश्किल से यूज करना है थोड़े टाइम के लिए, तो ये आपका काम चला सकता है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने आईफोन 11 खरीदने का मन बना लिया है तो मैं चाहूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीदे ताकि आपको बेस्ट प्राइस मिल जाए और मेरा चैनल थोड़ा सा प्रमोट हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इनसे रिलेटेड और भी वीडियोस मौजूद है इस चैनल पे, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा। और अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हैं। और मैं आईफोन से रिलेटेड 10R, 12, 11 वर्सेस 12 इन सब की वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, तो वो भी एक बार चेक कर लेना। और एडिटिंग वेडिंग से रिलेटेड अगर आपको ऐप से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो वो भी ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, वो भी आप एक बार चेक कर लेना। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करते जाओ, किस चीज का वेट है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय। Thank you.